Assalamualaikum, good morning. जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयद आर्मिला हसन। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हैं, मजे में हैं, चाय का मग हाथ में होगा आपके भी, और आप शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे जनाब, क्योंकि हम आपका आ चुके हैं जगाने के लिए। रोज जो है 9 से 11 बजे तक आपका और हमारा साथ होता है, और इन 2 घंटों में हमने आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और चाय की बात हो रही हो, हाथ में एक मग हो और इसमें एवरी डे की चाय हो, यानी कि मज़ा दुबाला हो जाता है ऐसे में चाय का। और अगर आपको मैं बात करूँ कि एवरी डे की कैंपेन के हवाले से, तो हम 3-4 दिन से आपको बताते जा रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े सॉसमैन यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एवरी डे रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, और इसका पर्पज़ ये है कि दुनिया के सबसे बड़े सॉसमैन में मिक्स चाय बनाई जाएगी एवरी डे की। और इस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना है कि अपना फ़ोन उठाना है और आपने नंबर 90131 पर एक मिस्ड कॉल देनी है। उस मिस्ड कॉल के बाद आपका वो जो है रजिस्टर हो जाएगा एवरी डे के पास, और जब ये रिकॉर्ड बनेगा तो आप भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकेंगे जनाब। और चाय की बात करें तो चाय, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह चाय पीना बड़ा नुकसानदेह होता है, टी वाइटनर्स होते हैं, हाँ बिल्कुल सही होता है, लेकिन सुबह सुबह पानी पीने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं जनाब। और पानी जब आप पीते हैं तो आपकी स्किन कहते हैं जी निहार मुंह पानी पीना चाहिए उठ के, स्पेशली थोड़ा नीम गर्म सा पानी लोग प्रेफर करते हैं कि पीने के लिए, क्योंकि आपके उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बेहतर होता है, उसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। जो खवातीन अपनी स्किन आप देखते हैं ना बड़ी ग्लो कर रही है, उन लड़कियों की स्किन या उनमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो एक ग्लो आ रही होती है, जो आपको देख के एक बड़ा अच्छा सा एहसास हो रहा था कि अच्छा जनाब ये ग्लो किस वजह से, तो वो पानी पीने की वजह से होता है। और अक्सर डॉक्टर्स भी आपको स्किन स्पेशलिस्ट भी प्रेफर करते हैं कि जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा होता है, तो आपकी स्किन जो है उसके जो मसाइल हैं, दाने हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। इसी तरह जो चाय है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और पानी उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं जो चाय की बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि चाय का ज़रा दिल से एक रब्ता है मेरा चाय के साथ, लेकिन पानी भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और सुबह सुबह जैसे मैंने आपको उसका बता दिया। चलिए आप सुबह जब मैं आई तो मौसम जो है बड़ा ज़बरदस्त था, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जब मैं आई। उसके बाद जब मैं ऑफिस पहुंची तो मौसलाधार, यानी मौसलाधार तो नहीं कह सकते, थोड़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई, और उस बारिश में मैंने सोचा कि जनाब आज हमारे साथ एक एंकर भी जाएगी, भी कहती कि आज हमें कुछ डिफरेंट मौसम बताने को मिलेगा, तो वो मौसम जो है हमें नवीद निज़ामी बताएंगे, जो इस वक्त हमारे साथ आउटडोर मौजूद है, छत पे मौजूद है, जो मौसम एंजॉय करें। नवीद, किस तरह का मौसम है, अभी भी बारिश हो रही है? अर्मिला अस्सलाम वालेकुम, जागो लाहौर अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बगैर रागले संग जोड़े तगड़े जनाब। जो मौसम का पूछिए ना अर्मिला, आप इस वक्त सिर्फ मेरे होंठ नीले नहीं हो रहे, बाकी सारे काम मेरे साथ यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि जिस टॉप स्टोरी पे जहाँ पे हम मौजूद हैं मौसम इतना ज़बरदस्त है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ, और बारिश हल्की हल्की, ठंडी तेज़ हवाएं, और एक मासूम सा बंदा छत की इतनी हाइट पे, और चीलें भी आसपास फिर रही हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। तो जनाब मौसम बड़ा ज़बरदस्त है अर्मिला, आप तो चाय का मग हाथ में पकड़ के एवरीडे की ज़बरदस्त गरम गरम चाय पी रही हैं, मैं भी अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुंचूंगा और चाय पीऊंगा। लेकिन जब सुबह हम ऑफिस आ रहे थे, जैसा आपसे भी बात हो रही थी मेकअप रूम में, तो आपने भी बताया कि मौसम ऐसा था कि आज ऑफिस आते आते 600 दफ़ा सोचा कि यार ऑफिस जाया जाए ना जाया जाए। मेरी गाड़ी ने भी बड़े नखरे किए जनाब, खराबी कोई नहीं थी, लेकिन बार बार ये कह रही थी आज ऑफिस जाने वाला मौसम नहीं है। मैं भी ये कह रहा था कि आज ना जाने की जिद ना करो। तो जनाब मामला तो ये है, मौसम अच्छा है और हम तो इंजॉय कर रहे हैं। जागो लाहौर के हमारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे वो घर में बैठे इंजॉय कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ जो लोग ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, अपने कामकाज के लिए निकल चुके हैं, वो भी इस धुंध को, इस ठंड को, इस ठंडी हवा को और बारिश के नजारे को एंजॉय कर रहे होंगे। जी अर्मिला, बिल्कुल बारिश का, और आपके पीछे भी देख सकते हैं नवीद के, थोड़ी थोड़ी धुंध भी बहुत ज्यादा है, मतलब इस तरह से नजर आ रहा है कि धुंध का जो एक फैक्टर मौजूद होता है वो अभी भी एटमॉस्फेयर में है, और बारिश के बावजूद ऐसा है। और अभी बारिश की क्या सूरत हाल है कि बहुत तेज हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, या वो आपको भिगा देने वाली बारिश है, ये कैसी बारिश है? वो वैसे तो कहा जाता है ना भीगा भीगा सा, भीगी भीगी सी तन्हाई है, ये जनवरी वाली कुछ ठंड है और तन्हाई जनवरी वाली भी लग रही है। धुंध जो आप कह रही ना अर्मिला, मेरे आप इर्द गिर्द देखें तो काफ़ी ज़्यादा धुंध है, और इस धुंध के साथ जो हवा में नमी है, बारिश तो हल्की है ना होने के बराबर, लेकिन हवा में जो नमी है वो बड़ी फ्रीजिंग है, तो जिसकी वजह से मौसम बड़ा मज़े का लग रहा है इस वक्त। अच्छा ज़बरदस्त, वैसे सुबह मेरा प्लान हो रहा था कि मैं जाऊँ और वेदर पर पेपर दूँ, लेकिन जब मैं नीचे गुजरी तो मैंने कहा नहीं, ये मौसम ना ऊपर जाके पीपल दर वाले जो हेयर डू वकार ने बनाया होगा, फिर जो कपड़े पहने होंगे वो सब खराब हो जाएंगे, तो बेहतर है स्टूडियो में बैठ के मौसम एंजॉय कर लिया जाए। तो आपका भी कुछ ऐसा हिसाब किताब तो नहीं चल रहा?
नहीं आपने तो वैसे स्मार्ट मूव ली है, मैं चाह रहा था कि अर्मिला चली जाए, चलो जरा थोड़ा सा जान बच जाएगी, लेकिन जनाब वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, माँ तो दूर की बात बकरा ही फंस गया जनाब। तो सूरत हाल यही है कि ठंड इतनी ज्यादा है और हवा इतनी मजे की है कि ये सर्दी की पहली ऐसी कड़ाकेदार ठंडी हवा और बारिश वाला मौसम इस वक्त मिल रहा है कि जो अब चंद दिनों बाद शायद ना मिल सके, क्योंकि अब जाती सर्दी है और आती गर्मी वाला काम भी कुछ एक आध महीने बाद शुरू हो जाएगा। तो मौसम बहरहाल बड़ा जबरदस्त है। मुझे मेरे कैमरामैन बार बार इशारा कर रहे हैं कि नवीद भाई ज्यादा पीछे ना हो, ये ना हो कि हमें कैमरा लेके एकदम भागना पड़े और दिखाना पड़े, और नाजरीन एंकर नीचे जा पड़ा क्योंकि मैं बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ। लेकिन बहरहाल मजा आ रहा है जनाब, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा आप मजा ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो फिर भी मसला खराब हो जाएगा, तो आप जल्दी से नीचे आ जाए क्योंकि हम लोगों को आप लोग अपना एंकर जो है वो थोड़ा अजीज इसलिए है क्योंकि मेरी साथ वाली सीट खाली है और रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी डिस्कशन करनी है। आप नीचे आए ताकि हम आपसे भी गुफ्तगू कर सकें। और इसके साथ साथ जनाब मौसम की बात करें, वाकई मौसम इस तरह का है कि अब ये डिप्रेशन शुरू हो गया कि ये सर्दी चली जाएगी और उसके बाद जो हमारे पास जो एक गर्मी आने वाला सीजन है वो शुरू हो जाएगा और फिर जो आवाज़ आ रही है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है लाहौरियों ये मौसम भरपूर तरीके से इंजॉय कर लें क्योंकि ये फिर अगले साल इंशाल्लाह आपको मौसम नसीब होगा। चलें जनाब न्यूज़ पे डिस्कशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपसे बातचीत भी करनी है, लेकिन न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हेडलाइंस बताना भी आपको बहुत जरूरी है। लेकिन हेडलाइंस के साथ साथ मैं अपने रिपोर्टर हजरात का भी तारुफ करवाती चलूं कि हमारे साथ हमजा मौजूद होंगे और उसके साथ साथ मुदस्सिर नवाब मौजूद होंगे। इन दोनों से हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह की हमारे पास जो स्टोरीज है न्यूज स्टोरीज उन पर डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहली जो हमारे पास खबर है वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कल देखा गया कि एक बार फिर दंगा फसाद हमें देखने में आया। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहां पर तलबा जो हैं एजुकेशन हासिल करने जाते हैं, लेकिन वहां पर जो ग्रोबंदी है और जो तसादुम है वो देखने में आया। और एक फेस्टिवल जो हो रहा था वह पायनियर्स फेस्टिवल, उसके दौरान जो दो ग्रुपों में तसादुम हुआ और वो फेस्टिवल तो दूर की बात है, जो वहां पर पुलिस हजरात जो आए थे वहां पर रेस्क्यू करने उनको भी निशाना बनाया गया और पथराव किया गया। तो सबसे पहले इस खबर को हम शेयर करें, आपको बताएं कि रोजनामा दुनिया की खबर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक बार फिर मैदाने जंग बनी रही। यूनिवर्सिटी दिन भर में क्या होता रहा, मुल्क की सबसे बड़ी जामिया यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी को कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और आप लाहौर में जहां भी जाए आपको यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई हिस्सा नजर आ रहा होता है। और इसके साथ साथ बताएं कि फेस्टिवल की तैयारियां जारी थी और दो ग्रुपों में तसादुम हुआ और जो एक ग्रुप ने आके अटैक किया, वहां पे जो कुर्सियां थी और टेंट्स थे उनको उखाड़ के फेंक दिया और तलबा की जानिब से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को आग भी लगा दी गई और खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। तसादुम में 8 के करीब जो तलबा है वो जख्मी हुए, जबकि भारी नफरी जो है वो वहां पर पहुंची। लेकिन उसके बावजूद तलबा तंजीम ने वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और शदीद किस्म की नारेबाजी भी की। और इसके बाद आपको बताएं कि SP राना जो इकबाल टाउन है राना उमर की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। ये तमाम तर सूरत हाल हमारे रिपोर्टर हजरात मौजूद हैं, हमजा से जानते हैं। हमजा ये जो कल सारा मामला देखने में आया और वहां पर अक्सर ये पहली दफा नहीं हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी आए रोज इस तरह की किसी ना किसी एक्टिविटी में मुलविस रहती है और एक ग्रुप है स्पेसिफिक जो आप कह लें उन्होंने जमात बनाई हुई है सो कॉल्ड, वो वहां पे इस तरह से अटैक करती। कल क्या ये सिचुएशन? अच्छा सिचुएशन इस तरह है कि पायनियर फेस्टिवल था जिसे इस्लामी जमीयत तलबा जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करने जा रही थी। कल उसका 10 बजे का टाइम था और उस पायनियर फेस्टिवल में तकरीबन 500 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एम्बेसडर का रोल प्ले करना था। एज एम्बेसडर उन्होंने वहां पे स्टूडेंट्स को बताना था कि एम्बेसडर की क्या जरूरत है, पाकिस्तान के लिए उसकी क्या जरूरत है और उसके क्या काम होते हैं। उसके साथ तकरीबन 2000 तलबा ऐसे थे जिन्हें डिग्रियां मिलनी थी, जैसे हम भी यूनिवर्सिटी से जब पास आउट हुए थे तो हमें भी डिपार्टमेंट कॉन्वोकेशन हुआ था, वो एक टाइप का कॉन्वोकेशन भी था। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी तलबा तंजीम है जिसे बलोच तलबा तंजीम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये फैसला किया था, उसकी चैट भी मेरे इस मोबाइल में मौजूद है जो मैंने कल ब्रेक भी की थी ताकि इसके हवाले से जो है वो मतलब बेहतर हकायक सामने आ सके। ठीक है। उनकी रात भर ये प्लानिंग होती रही कि हम इसको कैसे नाकाम बनाएंगे। उन्होंने इसको नाकाम बनाने के लिए पूरी कोशिश की और नाकाम बना के फिर छोड़ा। उनका ये कहना था कि हम जमीयत, क्योंकि उससे पहले जब बलोचों का एक फेस्टिवल था ना उनका कल्चरल डे उसका कल्चरल डे पे जमीयत ने किया था और उन्होंने बदला लेने के लिए जमीयत का इवेंट नाकाम बनाने के लिए मतलब। लेकिन बात की जाए तो वहाँ पे जो एक और भी हमारे पास वहाँ पे पुलिस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी जख्मी किया गया, जबकि SHO नवाकोट जो थाना थे उनके
ख्वाजा हसन भी जख्मी हुए, यानी कि पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंची, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की नफरी तब भी मौजूद थी जब सुबह 4 बजे का टाइम था, जब बलोचों ने अटैक किया था जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आग लगाई, तब भी पुलिस की नफरी मौजूद थी, पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जब सुबह 7 बजे मामला तूल पकड़ गया, दोनों ग्रुप्स आमने सामने आए, उनके दरमियान में पथराव का सिलसिला शुरू हो गया और लड़ाई झगड़े का सिलसिला अच्छा, बढ़ गया। फारूक, ये जो लड़ाई झगड़े वाले मामला थे ये बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा मुदस्सर, आप ये बताएं कि जब हम यूनिवर्सिटी की खास तौर पे बात करते हैं, वाइस चांसलर पहले भी बड़े बयानात दे चुके हैं, अमली तौर पे कोशिश भी की है उन्होंने, ये नहीं कि कोशिश नहीं की, लेकिन मामला कंट्रोल में नहीं आता। आप देखें पिछले दिनों, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ऐसा ही वाकया पेश आया था पश्तून ग्रुप और ये जमीयत और इसके साथ जो दूसरा एक तीसरा ग्रुप और भी बना लिया इन लोगों। अब मामला ये होता है कि एक ग्रुप अगर कोई फंक्शन करने जा रहा है तो दूसरे ग्रुप की कोशिश होती है कि वो फंक्शन कामयाब ना हो। उसमें ना सिर्फ मर्द हजरात जो नौजवान तलबा हैं वो भी जख्मी होते हैं, तशद्दुद का निशाना बनते हैं, ख्वातीन को भी माफी नहीं मिलती इसमें। इसका मतलब है कि हमारी जामियात, खासतौर पर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो वहाँ पर ये रवायत पनपती जा रही है कि तशद्दुद यूनिवर्सिटियों में हो रहा है। जी बिल्कुल नवीद भाई, मैं इस चीज़ पे एग्री भी करूँगा और साथ में थोड़ी सी एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली सिर्फ ये तलबा जो है, तलबा तालबात हैं, यही इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं है, जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा कराम हैं, जो प्रोफेसर हजरात हैं, वो भी इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नज़र आ रहे हैं। वो इस तरह है कि यानी कि एडमिशन जब होते हैं तो एडमिशन के दौरान मुख्तलिफ यानी कि जमातों के तलबा को सिफारिश के तौर पर जो है एडमिशन करवाया जाता है उनका, ताकि वो इस यूनिवर्सिटी, और वो बच्चे आते ही उन तंजीमों में शामिल इख्तियार कर लेते हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए जागो लाहौर। स्किन आप देखते ना बड़ी ग्लो कर रही है उन लड़कियों की स्किन, या उनमें बहुत ज्यादा मजेदार जो एक ग्लो आ रही होती है, जो आपको देख के एक बड़ा अच्छा सा एहसास हो रहा था कि अच्छा जनाब ये ग्लो किस वजह से, तो वो पानी पीने की वजह से होता है। और अक्सर डॉक्टर्स भी आपको, स्किन स्पेशलिस्ट भी प्रेफर करते हैं कि जब आप पानी ज्यादा पीते हैं, पानी का इंटेक ज्यादा होता है, तो आपकी स्किन जो है उसके जो मसाइल हैं, दाने हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। इसी तरह जो चाय है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और पानी उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं जो चाय की बुराई नहीं कर सकती क्योंकि चाय का ज़रा दिल से एक रबता है मेरा चाय के साथ, लेकिन पानी भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह जैसे मैंने आपको उसका बता दिया, चलिए आप सुबह जब मैं आई तो मौसम जो है बड़ा ज़बरदस्त था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जब मैं आई। उसके बाद जब मैं ऑफिस पहुंची तो मौसलाधार, यानी मौसलाधार तो नहीं कह सकते, थोड़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। और उस बारिश में मैंने सोचा कि जनाब आज हमारे साथ एक एंकर भी जाएगी, भी कहती कि आज हमें कुछ डिफरेंट मौसम बताने को मिलेगा, तो वो मौसम जो है हमें नवीद निज़ामी बताएंगे जो इस वक्त हमारे साथ आउटडोर मौजूद है, छत पे मौजूद है, जो मौसम एंजॉय करें। नवीद, किस तरह का मौसम है? अभी भी बारिश हो रही है? अर्मिला अस्सलाम वालेकुम, जागो लाहौर अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बगैर रागले संग जोड़े तगड़े जनाब। जो मौसम का पूछ रही ना अर्मिला आप, इस वक्त सिर्फ मेरे होंठ नीले नहीं हो रहे, बाकी सारे काम मेरे साथ यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि जिस टॉप स्टोरी पे जहाँ पे हम मौजूद हैं मौसम इतना ज़बरदस्त है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ, और बारिश हल्की हल्की, ठंडी तेज हवाएं, और एक मासूम सा बंदा छत की इतनी हाइट पे, और चीले भी आ। मेरा प्लान हो रहा था कि मैं जाऊं और वेदर पे बीपर दूं, लेकिन जब मैं नीचे गुजरी तो मैंने कहा नहीं, ये मौसम ना ऊपर जाके बीपर देने वाले जो हेयर डू वकार ने बनाया होगा, फिर जो कपड़े पहने होंगे वो सब खराब हो जाएंगे, तो बेहतर है स्टूडियो में बैठ के मौसम इंजॉय कर लिया जाए। तो आपका भी कुछ ऐसा हिसाब किताब तो नहीं चल रहा? नहीं, आपने तो वैसे स्मार्ट मूव ली है, मैं चाह रहा था कि अर्मिला चली जाए, चलो जरा थोड़ा सा जान बच जाएगी, लेकिन जनाब वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, माँ तो दूर की बात, बकरा ही फंस गया जनाब। तो सूरत हाल यही है कि ठंड इतनी ज़्यादा है और हवा इतनी मज़े की है कि ये सर्दी की पहली ऐसी कड़ाकेदार ठंडी हवा और बारिश वाला मौसम इस वक्त मिल रहा है कि जो अब चंद दिनों बाद शायद ना मिल सके, क्योंकि अब जाती सर्दी है और आती गर्मी वाला काम भी कुछ एक आध महीने बाद शुरू हो जाएगा। तो मौसम हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे मेरे कैमरामैन बार बार इशारा कर रहे हैं कि नवीद भाई ज़्यादा पीछे ना हो, ये ना हो कि हमें कैमरा लेके एकदम भागना पड़े और दिखाना पड़े, और नाजरीन एंकर नीचे जा पड़ा क्योंकि मैं बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ। लेकिन बहरहाल
मजा आ रहा है जनाब, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा आप मजा ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो फिर भी मसला खराब हो जाएगा, तो आप जल्दी से नीचे आ जाए क्योंकि हम लोगों को आप अपना एंकर जो है वो थोड़ा अजीज इसलिए है क्योंकि मेरी साथ वाली सीट खाली है और रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी डिस्कशन करनी है। आप नीचे आए ताकि हम आपसे भी गुफ्तगू कर सके। और इसके साथ जनाब मौसम की बात करें, वाकई मौसम इस तरह का है कि अब ये डिप्रेशन शुरू हो गया कि ये सर्दी चली जाएगी और उसके बाद जो हमारे पास जो एक गर्मी आने वाला सीजन है वो शुरू हो जाएगा और फिर जो आवाज आ रही है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है लाहौरियों ये मौसम भरपूर तरीके से एंजॉय कर ले क्योंकि ये फिर अगले साल इंशाल्लाह आपको मौसम नसीब होगा। चले जनाब आसपास फिर रही है तो थोड़ा डर भी लग रहा है। तो जनाब मौसम बड़ा जबरदस्त है अर्मिला, आप तो चाय का मग हाथ में पकड़ के एवरीडे की जबरदस्त गरम गरम चाय पी रही हैं। मैं भी अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुंचूंगा और चाय पीऊंगा, लेकिन जब सुबह हम ऑफिस आ रहे थे जैसा आपसे भी बात हो रही थी मेकअप रूम में, तो आपने भी बताया कि मौसम ऐसा था कि आज ऑफिस आते आते 600 दफा सोचा कि यार ऑफिस जाया जाए ना जाया जाए। मेरी गाड़ी ने भी बड़े नखरे किए जनाब, खराबी कोई नहीं थी लेकिन बार बार ये कह रही थी आज ऑफिस जाने वाला मौसम नहीं है। मैं भी ये कह रहा था कि आज ना जाने की जिद ना करो। तो जनाब मामला तो ये है, मौसम अच्छा है और हम तो इंजॉय कर रहे हैं। जागो लाहौर के हमारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे वो घर में बैठे इंजॉय कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ जो लोग ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, अपने कामकाज के लिए निकल चुके हैं, वो भी इस धुंध को, इस ठंड को, इस ठंडी हवा को और बारिश के नजारे को एंजॉय कर रहे होंगे। जी अर्मिला बिल्कुल, बारिश का और आपके पीछे भी हम देख सकते हैं नवीद के थोड़ी थोड़ी धुंध भी बहुत ज्यादा है, मतलब इस तरह से नजर आ रहा है कि धुंध का जो एक फैक्टर मौजूद होता है वो अभी भी एटमॉस्फेयर में है और बारिश के बावजूद ऐसा है। और अभी बारिश की क्या सूरत हाल है कि बहुत तेज हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है या वो आपको भिगा देने वाली बारिश है, ये कैसी बारिश है? वो वैसे तो कहा जाता है ना भीगा भीगा सा भीगी भीगी सी तन्हाई है, ये जनवरी वाली कुछ ठंड है और तन्हाई जनवरी वाली भी लग रही है। धुंध जो आप कह रही है ना अर्मिला, मेरे आप इर्द गिर्द देखें तो काफ़ी ज़्यादा धुंध है और इस धुंध के साथ जो हवा में नमी है, बारिश तो हल्की है ना होने के बराबर, लेकिन हवा में जो नमी है वो बड़ी फ्रीजिंग है, तो जिसकी वजह से मौसम बड़ा मजे का लग रहा है इस वक्त। अच्छा जबरदस्त, वैसे सुबह Assalamualaikum, good morning, जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयद अर्मिला हसन, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हैं, मजे में हैं, चाय का मग हाथ में होगा आपके भी और आप शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे जनाब, क्योंकि हम आपका आ चुके हैं जगाने के लिए। रोज जो है 9 से 11 बजे तक आपका और हमारा साथ होता है और इन दो घंटों में हमने आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और चाय की बात हो रही हो, हाथ में एक मग हो और इसमें एवरी डे की चाय हो, यानी कि मज़ा दुबाला हो जाता है ऐसे में चाय का। और अगर आपको मैं बात करूँ कि एवरी डे की कैंपेन के हवाले से, तो हम 3-4 दिन से आपको बताते जा रहे हैं कि दुनिया में दुनिया के सबसे बड़े सॉसमैन यानी गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में एवरी डे रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और इसका पर्पज़ ये है कि दुनिया के सबसे बड़े सॉसपैन में मिक्स चाय बनाई जाएगी एवरी डे की। और इस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना है कि अपना फ़ोन उठाना है और आपने नंबर 90131 पर एक मिस्ड कॉल देनी है। उस मिस्ड कॉल के बाद आपका वो जो है रजिस्टर हो जाएगा एवरी डे के पास और जब ये रिकॉर्ड बनेगा तो आप भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकेंगे जनाब। और चाय की बात करें तो चाय, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह चाय पीना बड़ा नुकसानदेह होता है, टी वाइटनर्स होते हैं, हाँ बिल्कुल सही होता है, लेकिन सुबह सुबह पानी पीने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं जनाब। और पानी जब आप पीते हैं तो आपकी स्किन कहते हैं जी निहार मुंह पानी पीना चाहिए उठ के, स्पेशली थोड़ा नीम गर्म सा पानी लोग प्रेफर करते हैं कि पीने के लिए, आप क्योंकि आपकी उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बेहतर होता है, उसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। जो खवातीन न्यूज पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपसे बातचीत भी करनी है, लेकिन न्यूज डिस्कस करने से पहले हेडलाइंस बताना भी आपको बहुत जरूरी था, लेकिन हेडलाइंस के साथ साथ मैं अपने रिपोर्टर हजरात का भी तारुफ करवाती चलूँ कि हमारे साथ हमजा मौजूद होंगे और उसके साथ साथ मुदस्सिर नवाब मौजूद होंगे, इन दोनों से हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह की हमारे पास जो स्टोरीज हैं न्यूज स्टोरीज हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहली जो हमारे पास खबर है वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कल देखा गया कि एक बार फिर दंगा फसाद हमें देखने में आया। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पर तलबा जो हैं एजुकेशन हासिल करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ग्रोबंदी है और जो तसादुम है वो देखने में आया। और एक फेस्टिवल जो हो रहा था वह पायनियर्स फेस्टिवल, उसके दौरान जो दो ग्रुपों में तसादुम हुआ और वो फेस्टिवल जो दूर की बात है, जो वहाँ पर पुलिस हजरात जो आए थे वहाँ पर रेस्क्यू करने, उनको भी निशाना बनाया गया और पथराव किया गया। तो सबसे पहले इस खबर को हम शेयर करें, आपको बताएं कि रोजनामा दुनिया की खबर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक बार फिर मैदान जंग बनी रही। यूनिवर्सिटी दिन भर में क्या होता रहा,
मुल्क की सबसे बड़ी जामिया यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी को कहा जाता है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, और आप लाहौर में जहाँ भी जाए आपको यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई हिस्सा नजर आ रहा होता है। और इसके साथ साथ बताएं कि फेस्टिवल की तैयारियां जारी थी और दो ग्रुपों में तसादुम हुआ, और जो एक ग्रुप ने आके अटैक किया, वहां पे जो कुर्सियां थी और टेंट्स थे उनको उखाड़ के फेंक दिया, और तलबा की जानिब से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को आग भी लगा दी गई और खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। तसादुम में 8 के करीब जो तलबा है वो जख्मी हुए, जबकि भारी नफरी जो है वो वहां पर पहुंची, लेकिन उसके बावजूद तलबा तंजीम ने